वेलकम टू स्टडी 24 दोस्तों। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन यानी जो बिहार दरोगा की नई भर्ती आई है उसको मोबाइल से कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन कैसे करना है मोबाइल से, सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, मेक पेमेंट ये सारा करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे, यानी आपका 3 स्टेप है, देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करना होगा, सेकेंड स्टेप में आपको ऑनलाइन आवेदन पूरा भरना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन वगैरह भरने के लिए दिया गया है। पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, या फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, फर्स्ट स्टेप पे रजिस्ट्रेशन पे। तो रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे इंग्लिश में देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसे बदल कर आप हिंदी में भी कर सकते हैं। हिंदी कर देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी हो गया। अब यहाँ पे इसे पढ़ने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, सारा कुछ पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना चाहे तो, या फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं सारा कुछ तो बता ही रहा हूँ। यहाँ पे घोषणा पत्र पे आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करते ही ये प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के साथ ही देखिए आवेदन आपका रजिस्ट्रेशन का खुल जाता है। यहाँ पे नाम भरना है और भर लेते हैं पहले, तो आप देख सकते हैं नाम किस तरीके से भरना है। फर्स्ट नेम में अपना फर्स्ट नाम लिखना है, मिडिल नेम में अगर कुछ है तो डालिएगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो राजू कुमार, ये बस बीच वाला खाली रह गया। यहाँ पे अब इंडियन हम सेलेक्ट कर लेंगे, नेशनलिटी, ठीक है, नेशनलिटी इंडियन। और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे तो एक ईमेल आईडी भी आपको अनिवार्य है, तो ईमेल आईडी भी यहाँ पर डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप बिहार के निवासी हैं, तो हाँ पे क्लिक कर दीजिएगा या फिर नो पे, क्योंकि ये बिहार के बाहर के लोग भी भर सकते हैं, तो जो बिहार के बाहर के हैं वो नो पे क्लिक करेंगे और जो बिहार के निवासी हैं वो यस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, एससी एसटी जो भी है, आप जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, उसे सेलेक्ट कर लें। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है आपका जेंडर, जेंडर में आप क्या हैं, मेल फीमेल जो भी है उसे सेलेक्ट कर ले, और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। पहले ईयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ईयर सेलेक्ट करिएगा तो जो भी आपका ईयर हो उसे सेलेक्ट कर लीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे ईयर सेलेक्ट हो गया। उसके बाद महीना सेलेक्ट कर लेंगे, डेट सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो आपसे पूछा जा रहा है क्या आप बिहार में बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत कोई सर्विस कर रहे हैं, तो यहाँ पे या फिर ना पे क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे नो कर देते हैं। नो करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एक्स सर्विस मैन है, तो येस नो कर सकते हैं, यहाँ पर मैं नो कर दूँगा। नो करने के बाद ये जो है आपका प्रोसीड बटन, इस पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको आपका डिटेल दिखा देगा, ठीक है, जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन में किया था डिटेल दिखा देगा। उसके बाद नीचे आएंगे, ये देखिए यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ से आपसे डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, डिक्लेरेशन पे यहाँ पे टिक कर देना है। और ये जो कैप्चा दिखाई दे रही है दोस्तों, ये कैप्चा को यहाँ पे भर देना है, हूबहू भर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट का राशि आ चुका है, ठीक है, पेमेंट आपको 400 करना है अगर आप एससी एसटी से हैं, और जनरल वगैरह हैं तो आपको यहाँ पे 700 दिखाई देगा, ठीक है, 700, और मैंने एससी सेलेक्ट किया था इसलिए यहाँ पे 400 दिखाई दे रहा है। तो ये कैप्चा यहाँ पे भर देते हैं पहले। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चा भरने के बाद यहाँ पर अगर आप डिटेल को फिर से सुधारना वगैरह चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो यहाँ से एडिट एप्लीकेशन करके बदल सकते हैं, ठीक है, या फिर जब सारा कुछ ठीक रहे तो मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं मेक पेमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के साथ आपको ओके ओके दो बार दबाना है और यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। ये देखिए ओपन हो रही है, ये देखिए SBI का ये खुल चुका है। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि आपको SBI का ही सब कुछ होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी बैंक का हो ATM वगैरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड नंबर भरना होगा आपको, और एक्सपायरी डेट, ईयर, CCV नंबर और नेम ऑन कार्ड, जो आपका कार्ड पे नाम है वो आपको डालना है, या फिर आप यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं, या फिर भीम UPI का उपयोग कर सकते हैं, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भीम पे यानी UPI का ही उपयोग करूँगा। यहाँ पे UPI ID आपको डालना होगा। तो दोस्तों UPI नहीं ले रहा है, अब हमें डेबिट कार्ड का ही उपयोग करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ATM कार्ड का ही उपयोग करूँगा क्योंकि UPI नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे कार्ड नंबर डालेंगे,
मंथ डालेंगे जो आपका कार्ड एक्सपायरी डेट है वो सब, ठीक है। यहाँ पे डालने लगा है सीसीवी नेम ऑन कार्ड होल्डर, सारा कुछ डालने के बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन रहेगा। और देखिए कार्ड का डिटेल डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका महीना दिन लिखा होता है कार्ड पे वो, और कब आपका एक्सपायरी डेट है वो, सीसीवी नंबर, आपके एटीएम कार्ड के पीछे 3 डिजिट का एक कोड होता है सफ़ेद वाले जो पट्टी होती है उसके बगल में ही होता है लिखा हुआ, वो आपको यहाँ पर डालना होता है। और जो कार्ड पर नाम लिखा हुआ है एटीएम कार्ड पर वो आपको लिखना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि कोई ज़रूरी ये नहीं है कि आपके पास एसबीआई का ही कार्ड होना चाहिए, कोई भी बैंक का आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पे नाउ का वो ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब आपको आपके बैंक के द्वारा एक ओटीपी भेजा जाता है, जिसको ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना होता है और उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी डाल दिया गया है, अब मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना होता है। यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद मेक पेमेंट, और इसे थोड़ा सा इसे बैक नहीं करना है, बल्कि हो सकता है 2-3 मिनट समय ले ले, तो आपको यहाँ पर रोकना नहीं है। देखिए यहाँ पर इस तरीके का आपको दिखाई देगा, तो हो सकता है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, लेकिन मोबाइल पे भेज दिया गया है, ठीक है। अब मोबाइल से अब यहाँ पे बैक कर लेंगे, इसको बैक करने के बाद होम पेज पे चलेंगे। पेमेंट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे होम पेज पे आपको आना होगा, फिर रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे ही, और यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड स्टेप जो दिखाई दे रहा है आपको, फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। क्लिक करते ही देखिए ये क्लिक करना है आपको, रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है या फिर आपका जो मोबाइल नंबर आपने दिया है वो यहाँ पे डालना है, दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ, और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ये कैप्चा को यहाँ पर डालने के बाद उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो लॉगिन करने के बाद, सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी आपको दिखा दिया जाता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आईडी आपको दिखा दिया जाएगा, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो आपका दिखाई दे रहा है प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। नीचे आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल दिखाया गया है, तो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। आवेदन को भरने से पहले दोस्तों ये जो आपने पेमेंट किया था, पेमेंट का भी आपको ये स्लिप ले लेना है। देखिए ये रहा क्लिक हेयर टू पेमेंट स्लिप के लिए, यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर लेना है और पेमेंट स्लिप को डाउनलोड कर लेना है। पेमेंट स्लिप को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड बटन जो दिखाई दे रहा है इस पर एप्लीकेशन पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर देते हैं, ओके बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से कुछ इंस्ट्रक्शन जो है, आपका फ़ोटो साइज़ वगैरह किस साइज़ का होना चाहिए, देखिए यहाँ पे दिया गया है 2 महीना पुराना कम से कम फ़ोटो होना चाहिए, 2 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो साइज़ आप देख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए फोटोग्राफ, और 25 KB से कम होना चाहिए। इसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका जो फ़ोटो है 25 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 25 KB का फ़ोटो आपको रिसाइज कैसे करना है मैं आपको दिखा दूंगा। फ़ोटो और सिग्नेचर आपको 25 KB से कम होना चाहिए, और हिंदी इंग्लिश में आपको सिग्नेचर करना होगा, ठीक है। और काले कलम से लिखना है, काला पेन होना चाहिए, उसी से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। सादे कागज़ पर काला पेन से आपको लिख देना है अपना सिग्नेचर हिंदी और अंग्रेजी में यहाँ पे, और टिक कर देना है डिक्लेरेशन पे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ नीचे अब प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपसे प्रीफ्रेंस पूछेगा कि यानी कौन से पोस्ट पे सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले पुलिस सब इंस्पेक्टर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और सेकंड में आपको सर्जेंट सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे सारा कुछ पूछा जाएगा जो आपको भरना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस यानी शादीशुदा है या नहीं है उसे सेलेक्ट कर लें, अनमैरिड, मैरिड जो भी हैं, और आइडेंटिटी कार्ड टाइप आपके पास वोटर कार्ड आधार कार्ड जो भी हो उसे डाल दीजिए। यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर देते हैं, और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना होगा, और आइडेंटिटीफिकेशन मार्क्स यानी तिल जो तिल का निशान वगैरह होता है यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप फ्रीडम फाइटर के नाती पोता नतनी से संबंधित हैं, तो यहाँ पे हाँ ना कर सकते हैं, यहाँ पे मैं नो क्लिक कर देता हूँ। नो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है मैट्रिकुलेशन का डिटेल भरना है आपको, यहाँ पे बोर्ड का नाम, ठीक है, बोर्ड का नाम भर दीजिएगा, और सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, और कब आपने पास किया मैट्रिक वो सेलेक्ट करके डेट
और महीना और साल डाल देना है। यहाँ पे ग्रेजुएशन आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है, यूनिवर्सिटी का नाम और सर्टिफिकेट का नंबर, मार्कशीट का हो या सर्टिफिकेट का, दोनों में से कोई डाल सकते हैं। यहाँ पे डेट डाल देना है कब आपने पास किया है ग्रेजुएशन। अगर आपने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उसका भी डिटेल यहाँ पे भर दीजिएगा। यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट सीरियल नंबर और डेट, ठीक है। इतना डालने के बाद यहाँ पे अब आपको परमानेंट एड्रेस डालना है और कोरस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पे डालना है। अगर आपका परमानेंट और कोरस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे इसको भरने के बाद, तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। और यहाँ पे आपको देखिए, ये आपको कभी कोई एग्ज़ाम से निकाला गया है तो यस करेंगे या फिर नो पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे नो ही करिएगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। नो कर दीजिएगा यहाँ पे, और आपसे पूछा जाएगा कि आप कोई क्रिमिनल केस आपके ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे नो 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 कर दीजिएगा। और उसके बाद नीचे आने के बाद जितने भी आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, देख सकते हैं क्रिमिनल केस वगैरह चल रहा है तो यस नो कर सकते हैं। और यहाँ पे अब आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो का साइज़ मैंने आपको बता ही दिया है, 25 KB से कम होना चाहिए। अब यहाँ पर चूज़ करेंगे फ़ोटो यहाँ से और अपलोड कर देंगे। फ़ोटो आपका इस टाइप का होना चाहिए, आप देख सकते हैं इस टाइप का फ़ोटो होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ गर्दन दिखाई दे, और ये आपका देखिए ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके का फ़ोटो, धुंधला वगैरह नहीं होना चाहिए, इस तरीके का फ़ोटो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, देखिए ये चूज़ पे मैंने क्लिक किया, ये फाइल पर मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब जो फ़ोटो मेरे मोबाइल में है मैंने रखा है, रिसाइज करके उसे डाल दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये फ़ोटो मैंने ले लिया, अब ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब सिग्नेचर को ले लेंगे, मैं आपको रिसाइज कैसे करना है बता दूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रहा है इंग्लिश का सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, तो इंग्लिश का सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करके यहाँ पे अंग्रेजी का साइन, यहाँ पे हिंदी का साइन भर देना है। देख सकते हैं दोनों आ चुका है। अब प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। अब आपको यहाँ पे सारा डिटेल दिखा देगा, ठीक है। सारा डिटेल देखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे क्लिक कर देना है, टर्म एंड कंडीशन पे, और ये कैप्चा यहाँ पे डाल देना है और सबमिट, फाइनल सबमिट कर लेना है। अगर कोई गलती हो गई है तो एडिट करके आप अपना डिटेल को ठीक कर लीजिएगा, उसके बाद ही सबमिट करिएगा, क्योंकि फाइनल सबमिट के बाद आपका आवेदन सुधार नहीं होगा। दोस्तों सबमिट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो फ़ोटो है रिसाइज कैसे करेंगे, 25 KB का कैसे बनाना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट है, resize-photos.com। इस पर आएंगे तो यहाँ पे आप अपना फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आपको अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना है, और ये जो आपको पिक्सल दिखाई देगी, पिक्सल को आपको 300 या 200 पे ले आना है, ठीक है। 300 या 200 पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये यहाँ पर लिख देते हैं 200। इस तरीके से आप अपना 200 लिख कर, और ये जो फ़ोटो आपने सेलेक्ट किया होगा यहाँ से ब्राउज से जो फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे अपलोड एंड रिसाइज फ़ोटो पे क्लिक कर देंगे। आपको फ़ोटो का डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, फ़ोटो को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी प्रकार से सिग्नेचर को भी अपलोड करके अपना रिसाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद फ़ोटो सबमिट हो जाता है। अब हम फिर से फॉर्म पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर दिया है, डिक्लेरेशन पे, और यहाँ पे जो ये आपका कैप्चा है इसे फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबमिट बटन पे हम लोग क्लिक कर लेंगे, फाइनल सबमिट हो जाएगा आपका आवेदन। ओके कर देंगे, फिर से ओके कर देंगे। उसके बाद देखिए आपको ये आपको दिखाई देगा, ये लिखा रहेगा द एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली सबमिटेड, रजिस्ट्रेशन आईडी ये दिखा दिया गया है, जो आपने भरा है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, जो आपने भरा है उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। यहाँ पर आपको अपना डिटेल दिखाई देगा, ठीक है, डिटेल वगैरह सारा कुछ दिखाई दे देगा, और यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं जो आपने भरा है उसका प्रिंट आउट ये है, इसे आप लोग अपना डाउनलोड कर लीजिएगा।
यहीं से आपका प्रिंट आउट हो जाता है, ये आपका आवेदन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की और भी कुछ जानकारियाँ आप लोगों के लिए, टेस्ट भी शुरू करने वाला हूँ तो अलग से टेस्ट भी शुरू किया जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।